अब उनको सबको पता चला कि अपने बदौलत हम इनको हरा नहीं सकते, तो बेचारे एक होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनका अधिकार है। पर अगर ये इस तरह से एक हुए तो कुछ कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रदेश हैं, आप तो बहुत ज्यादा समझते हैं इसको, जहां बीजेपी को तकलीफ हो सकती है। अगर आपको देखो, आपको याद होगा, मैं जिस दिन राजनीति में मैंने प्रवेश किया, थोड़ा उसके पहले की 71 का चुनाव था जी, और आपको, आप शायद, मैं उस समय स्कूल का बच्चा लड़का हाँ, था हाँ, मैं पैदा नहीं हुआ था। 75 में मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया जी, पर मुझे याद है तब इंदिरा जी के खिलाफ एक बड़ी आघाड़ी बनी थी, कांग्रेस ओ संगठन, कांग्रेस, लोक दल, समाजवादी पार्टी और जनसंघ, और चारों की मतों को जोड़कर ऐसा लगता था कि खुद तो भी बहुत बड़ा होगा, हम जीतेंगे, पर उल्टा हुआ, इंदिरा जी जीत गई और बड़ी आघाड़ी हार गई। तो राजनीति में 2+2=4 कभी नहीं होते। तो यहां पर भी आपको लगता है 2+2=4 होता? मुझे लगता है जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने और सरकार ने किया है, जो 75 साल के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और 75 साल में 60 साल कांग्रेस को मिले, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी वो हमने 9 साल में करके दिखाया, और वो देश की बदलती हुई तस्वीरें लोगों के सामने है, और लोग निश्चित रूप से देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मोदी जी के नेतृत्व में चुन कर देगी, ऐसा हमें विश्वास है। अगर ये विश्वास है तो फिर क्यों नया एक गठबंधन जुड़ रहा है? कल एनडीए की बड़ी मीटिंग भी है, तो ओपी राजभर को जोड़ दिया जा रहा है, जीतन राम मांझी आ रहे हैं, महाराष्ट्र जो आपका स्टेट है वहां अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी गुट मिलकर आए हैं, तो ये सब समीकरण क्यों बैठ रहे हैं? कर्नाटका में फिर आप यूसी जेडीएस इज ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड, सो व्हाई इज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग? अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया, राजनीति में जैसे अपोजिशन पार्टी इवाइट हो रही है, वैसे हम भी अपने मित्रों को जोड़ रहे हैं, उसमें आश्चर्य क्या है? पर उससे आपको नहीं लगता कि बीजेपी का कोर ढीला हो जाएगा, जो आपका आइडियोलॉजिकल स्टैंड है? चुनाव में ऐसा होता है कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिलता है, जिसमें इलेक्टिव मेरिट होते हैं, और लोकतंत्र में उसी पार्टी का महत्व होता है जो चुनाव जीतती है। चुनाव जीतेंगे तो हमारा रिलीवेंस रहेगा। तो चुनाव जीतने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, देर इज पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, हमारे पार्टी का कैरेक्टर ही है कि हम उस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम स्ट्रैटेजी के रूप में जितने लोगों को जोड़ सकते हैं और हमारे पार्टी से उनको जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, वो हम अटल जी थे तब से करते हुए आए हैं, आगे भी कर रहे हैं। तो उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी का जो कोर इथोस है वो डाइल्यूट हो जाएगा? ऐसे जो हमारे पास आते वो हमारे जैसे बन जाते हैं। तो उससे जुड़ा एक और आरोप आप पर है कि आप पर, यानी कि बीजेपी पर है और सरकार पर है, ये वॉशिंग मशीन वाला, कि जब तक वो विपक्ष में है या आपके साथ नहीं है तब तक वो बुरे हैं, जैसे आपके साथ जुड़ जाते हैं साफ हो जाते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है, पर एक बात जरूरी है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपोजिशन, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हें चुनाव में जीतना चाहिए, तो ही सरकार में आप मेजोरिटी में आओगे, तो ही सरकार चला पाते हो जी। तो इट इज ए पॉलिटिकल वॉर, और इसमें हर पार्टी अपनी जीत को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली अलायंसेस करती है, वही हमने किया है। अब जो कल हमारे विरोधी थे आज हमारे मित्र बन गए, तो आज अपोजिशन पार्टी में नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। जो केजरीवाल जी को कांग्रेस विरोध कर रही थी, जो अध्यादेश निकला है, तो वो कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये एक समय विरोध किया, एक समय सपोर्ट किया, ये थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में चलते ही रहता है। हाँ, पर आपने तो यही कहा कि ऑपोजिशन इसलिए कर रही है क्योंकि आपने, जैसे आपने कहा, मरता क्या ना करता, तो अगर वो डेस्परेशन में कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? देखो, डेस्परेशन नहीं होता, हर पार्टी जो भी कुछ करती है वो अपने जीत के लिए करती है, अपने जीत को सिक्योर करने के लिए करती है, और लोकतंत्र में ये चलते हुए आ रहा है। यानी आज नहीं, इमरजेंसी के बाद जब सभी पार्टी को लगा तो पार्टियां डिसॉल्व कर दी। उस समय जनसंघ था, जनसंघ को डिसॉल्व किया गया, जनता पार्टी बनी जी। तो ये जो होता है, ये पॉलिटिक्स में इस प्रकार से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होते ही रहता है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। तो इन दिस केस
आपको लगता है कि इन द लास्ट 9 ईयर्स जब क्रिटिकल रेजोल्यूशंस और क्रिटिकल लॉज की बात आई है और क्रिटिकल चीजों पर जब तवज्जो की बात आई है, तो क्या सरकार अपनी बात सही रख पाई है या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष का नैरेटिव वो हावी हुआ है? फार्म लॉज को देख लीजिए, सीएए को देख लीजिए, या फिर कोर एजेंडा ऑफ द जनसंघ से जो रहा है, तीन चीजें रही थी, एक था 370 हटाना, दूसरा था राम मंदिर के लिए आंदोलन करना और तीसरा था यूसीसी। इन यूसीसी को ही ले लीजिए, आपको लगता है यू've got the narrative right, you've got the mood of the people on board? तो ऐसी स्थिति है, अपोजिशन पार्टी में भी सपोर्ट है। एक बात मुझे बताइए जी, कि मुस्लिम देशों में भी एक कायदा नहीं है? वहां ऐसे कोई मुस्लिम देश है कि जहां उनके लिए अलग कायदा है? ये वर्ल्ड फिनोमेना है, और मानवता के आधार पर, समता के आधार पर, सोशल इक्वलिटी के आधार पर पूरे समाज के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सोशल प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि समान सभी लोगों के लिए एक कानून हो, और इसमें सभी पंथ धर्म संप्रदाय मिलकर उसके लिए एक कानून होना, ये देश की यूनिटी को और इंटीग्रेशन को मजबूत करेगा। और इसलिए बीजेपी को छोड़कर बाकी भी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। पर आपको लगता है कि ग्राउंड से ये एक आवाज निकल के आई है या ये टॉप डाउन हो रहा है? कई बार ये देखा जाता है जब टॉप डाउन करते हैं तो वर्क नहीं करता। सर ऐसा है कि लोगों के मन में ये भाव है तो ये ऊपर से आया है। अब राम मंदिर बना, ऊपर से आया कि नीचे से आया? पर कोर्ट से लेकर सबके भाव से आया था, बन गया 370। आज कितना कश्मीर विकसित हो रहा है, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स आ रहे, आज इतनी टनेज बन रही, रोड बन रहे, टूरिज्म बढ़ रहा, टूरिस्ट की संख्या दुगनी हो गई जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ा है। तो आज तो आर्थिक विकास में जम्मू कश्मीर में ये जो 370 के कारण उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दुगने से गति मिली है, क्योंकि पहले कोई जमीन ने, अब बड़े होटल जाना है, कोई ताज को लेना है, उबेरा को लेना, तो जम्मू में जमीन ही नहीं खरीद सकते थे जी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जहां लोग इन्वेस्टमेंट आ रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही, यूनिवर्सिटीज आ रही, कॉलेजेस आ रहे, रिसर्च इंस्टीट्यूट आ रहे, वहां के एप्पल में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोल्ड स्टोरेज आ रहे, प्री कूलिंग प्लांट आ रहे, हाईवेज अच्छे बन रहे। आपको पता है ये श्रीनगर में रोज कितने हवाई जहाज जाते हैं? 65-70 हवाई जहाज जाते हैं। पूरे देश के टूरिस्ट की 49% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होता है, उससे आज वहां निश्चित रूप से प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुआ, तो इसका फायदा हो रहा है। पर आपने जम्मू कश्मीर का हवाला दिया, आपने कहा कि देश भर में काफी कुछ बदल रहा है, विकास हो रहा है, पर क्या आज विकास के बेसिस पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि फिर से 300 का आंकड़ा पार करेंगे 2024 के चुनाव के मद्देनजर, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इसको अब स्वाभाविक मान लेती है? हाँ, आपका काम है रोड बनाइए, आपका काम है पानी लाइए, आपका काम है बिजली दीजिए। तो एक समय जो पॉलिटिक्स था वो डोमिनेटेड बाय 3 C's था, कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल। अभी मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी हुई है कि कॉमन आदमी योगी जी को बहुत धन्यवाद देता है। तो अभी ये रेफरेंस नहीं रहा कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल। जो नई जनरेशन आई है वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस, इनोवेशन, एंटरप्रीनरशिप, देश के लिए काम करना चाहती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के नंबर कितने बढ़ रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी बढ़ रही, मेडिकल कॉलेज 650 हो गए, नेचुरली इतने बड़े प्रमाण पर एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1000 से ज्यादा हो गई और वो भी रेप्यूटेड हो गई। अब कोई अमरीका पढ़ने के लिए लंडन या इंग्लैंड, UK नहीं जाता, सब प्रकार का हायर एजुकेशन दुनिया के लोग अपने आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसके जो बेनिफिट है जो आम लोगों को मिल रहे हैं, हमने करीब करीब 1400 कानून बदल दिए ईज ऑफ बिजनेस में जी, कि लोगों को तकलीफ ना हो। अभी मैं RTO, मैंने परमिट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक इतने निर्णय किए, 47 डिसीजन किए कि आज घर में बैठकर लोगों को काम होते हैं, गाड़ी ट्रांसफर करना है, अगर महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी अगर वो दिल्ली आता है तो ट्रांसफर करने में कितनी दिक्कतें थी जी। तो बहुत सी छोटी छोटी बातों को निकालकर ऐसे कानून थे, उसको हमने समाप्त किया।